So there are many news around the world which can demotivate the entire market. Like recently, कल का ही बात है, Binance Israel से ban हो चुका है due to their regulation act. साथ ही साथ Canadian government, Canadian bank so far 34 crypto wallets को seize कर चुका है and in coming days they will ban few more wallets. So ये सब के चलते market में एक short term downfall, एक short term pullback दिखाई दिया है. So आगे क्या होने वाला है, मार्केट क्या रिकवर करने वाला है, टेक्निकली क्या दिखाई दे रहा है या फिर फंडामेंटल्स क्या बोल रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक. बिफोर आई गो फॉरवर्ड, लेट्स स्मैश ऑन द लाइक बटन टू अ न्यू ऑल टाइम हाई एंड मेक श्योर यू आर स्टिकिंग अराउंड टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक. सो हे गाइस, दिस इज देव, वेलकम बैक टू बिटबोल. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल and good. So, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ as a technical analyst, market के बाहर around the world चाहे कुछ भी हो या ना हो उसके साथ technical analysis का कुछ भी correlation नहीं है. But since because of this internet, because of this news hype, कुछ ना कुछ effect तो market पे आता है. Now कुछ लोग बोलता है ये बाहर के news के वजह से हो रहा है और कुछ लोग बोलता है ये market का एक natural structure है. That is what the main concern. क्या ये market का natural structure है और बाकी में ये सब न्यूज के चलते मार्केट नीचे आ रहा है एंड आने वाले टाइम पे क्या कंटिन्यू नीचे जाने वाला है और इट्स टाइम टू बम्स बैक हेविली, इट्स टाइम टू बम्स बैक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. सो हियर इज द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम Binance साइड. तो Binance हैज एट दिस स्टेज स्टॉप्ड ऑल एक्टिविटीज फोकस्ड ऑन इजराइल अंटिल वी एग्जामिन द इशू ऑफ लाइसेंसिंग, सेड द रेगुलेटर. तो इसराइल में नया एक रूल्स आया है, ये बस इसराइल पे नहीं, स्पेन पे भी ऑलरेडी लागू हो चुका है. ऑल द क्रिप्टो एक्सचेंजेस दे मस्ट इश्यू अ लीगल लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड टू कंटिन्यू देयर बिजनेस. तो ये लाइसेंस के चलते Binance रिलेटेड, Binance से जुड़ा हुआ, Binance का एक्सचेंज कुछ भी हो, Binance का प्रोडक्ट, एवरीथिंग इसराइल पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक बैन है. सो ये वाला बैन परमानेंट नहीं है बट स्टिल मार्केट एक ऐसा मूवमेंट पे है. अगर एक कंट्री का कुछ भी हो, चाहे 10-20 हजार कितना भी नंबर ऑफ इजरायली ट्रेडर्स Binance पे है या ना हो, बट दिस विल डेफिनेटली इफेक्ट द मार्केट इन शॉर्ट टर्म एंड हेंस नंबर ऑफ रेड कैंडल्स शायद आने वाले टाइम पे भी दिखाई देगा हम लोगों को. एंड रहे बात कैनेडियन बैनिंग का, इस बैन के चलते क्रेकन सीईओ हर एक क्रेकन यूजर्स को या फिर कोई भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूजर्स को ओपनली सजेशन दिया है कि जल्द से जल्द सारे के सारे कैनेडियंस यूजर्स, सारे के सारे कैनेडियंस क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर्स अपना जो भी कॉइन्स, जो भी इन्वेस्टमेंट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे है उसको हटा के डिसेंट्रलाइज्ड लाइक पैनकेक स्वैप एंड यूनिस्वैप पे ट्रांसफर कर ले टू सेव देयर एसेट फ्रॉम गवर्नमेंट. सो फार ये सब न्यूज के चलते मार्केट लास्ट दो दिनों में अबव 11% डाउन है, बट मैं बोलूंगा ये एक शॉर्ट टर्म पुल बैक है. तो रिसेंटली मार्केट से जो जो उम्मीदें था, जितना भी पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके बाद जो अपवर्ड ट्रेंडिंग एक असेंडिंग ट्राइंगल क्रिएट हुआ था, सब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ स्ट्रक्चर चला गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इनवैलिड हो चुका है एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो असेंडिंग ट्राइंगल स्टिल एक वैलिड पैटर्न में है, अगर नेक्स्ट 24-48 आवर्स तक मार्केट का प्राइस बम्स बैक होके एटलीस्ट $41,000 तक ना आए तो मे बी ये वाला असेंडिंग ट्राइंगल भी हम लोगों के लिए इनवैलिड हो जाएगा. नाउ लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न जो कि अनफोल्ड हो रहा है. सो ये वाला पैटर्न मैंने रिसेंटली ट्विटर पे भी अपडेट किया था. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी टर्न इट टू लाइन चार्ट. तो देख सकते हो एक असेंडिंग ट्राइंगल, इट्स बीन लास्ट 1.5 ईयर्स एक असेंडिंग ट्राइंगल, इसको हम फेक आउट कह सकते हैं एंड टॉप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिला के अगर हम देखें तो एक असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एंड जिसके चलते उस असेंडिंग ट्राइंगल के ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सपोर्ट मतलब रीटेस्ट हो रहा है. बट ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा पैटर्न है. नाउ लेट मी शो यू व्हाई ये एक कंट्रोवर्शियल सा पैटर्न है, क्योंकि हर एक ट्रेडर्स का, हर एक टेक्निकल एनालिस्ट का नजरिया
अलग अलग होता है। मैं अगर ये वाला सेम रेजिस्टेंस लाइन को थोड़ा सा अपसाइड डाउन, इसका जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है कि शॉर्ट टर्म पे हम लोगों को सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस मिल रहा है इधर। लाइक ये वाला रेजिस्टेंस जोन जो बैक इन 5th of September 2021 में जैसे इधर एक रेजिस्टेंस मिला था, सेम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों को आज के डेट में मिल रहा है। तो सेम चार्ट का बहुत सारे नजरिया हो सकता है, बट बॉटम लाइन इज बिटकॉइन का जो चार्ट, बिटकॉइन का जो पैटर्न है अभी टेक्निकली, विच इज लॉन्ग टर्म पे कंप्लीटली वैलिड पैटर्न। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, बिटकॉइन अपना सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के बीच में है, ना ही कि मैं कहूंगा सपोर्ट के ऊपर है और रेजिस्टेंस के नीचे है, एग्जैक्टली मिडिल पे है, जहां पे देख सकते हो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट। कुछ दिन पहले भी सपोर्ट था, बट फिर से बिटकॉइन को यही जोन पे अपना एटलीस्ट नेक्स्ट 24 to 48 hours में इधर से अगर बम्स बैक नहीं किया, तो अगेन मैं कहूंगा जो पुल बैक, जो बम्स बैक हम लोगों को मिला था वो भी इनवैलिड हो चुका है। सो नेक्स्ट 24 to 48 hours बहुत ही क्रूशियल है बिटकॉइन होल्डर्स, बिटकॉइन ट्रेडर्स के लिए। बिटकॉइन का जो अभी लेवल है 39,000 to 41,000, ये एक मस्ट होल्ड पॉइंट है फॉर द एंटायर मार्केट। अगर बिटकॉइन ये वाला जोन एक घंटे के लिए भी मिस किया, देन पूरा का पूरा मार्केट ताश के पत्ते का जो घर होता है ना, उसके जैसे बिखर जाएगा, क्योंकि हर एक ट्रेडर्स हर एक इन्वेस्टर्स अभी बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर अपना नजर टिका के बैठा है। जस्ट फॉर एक बार के लिए 4 hour candles और 1 day candlestick अपना 39,000 to 38,000 के नीचे अगर क्लोज हो गया, तो अगेन फॉर नेक्स्ट 2 or 3 weeks के लिए मार्केट कंप्लीटली टूट जाएगा। सो नाउ जस्ट होप फॉर द बेस्ट। पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज एंड रिस्क, ये तीनों वर्ड हम लोगों का टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं दिखा चुका हूं। पॉसिबली क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, कहां पे रिस्क है एंड क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है इन कमिंग डेज, तो ये सब के ऊपर मार्केट अगर अपना बम्स बैक करना है तो इधर से ही करना है, अदरवाइज देर हो जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ इट्स टाइम टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड बी अ पार्ट ऑफ माय ट्विटर एंड टेलीग्राम हैंडल, जहां पे मैं ऑन टाइम डेली लाइव अपडेट्स देता हूं बिफोर आई पोस्ट इट। सो एंजॉय दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, देव साइनिंग ऑफ।